दिल्ली की तीनों नगर निगम के एकीकरण के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की मुहर लग गई है। संसद के दोनों सदनों से विधेयक के पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कानून को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। बनासकांठा के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। दिल्ली के जहांगीरपुर हिंसा को लेकर अमित शाह ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि दंगाइयों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करें कि दोबारा दिल्ली में इस तरह के दंगे और हिंसा ना हो पाए। विस्थापित 63 बंगाली हिंदू परिवारों को सीएम योगी की स्थायी सौगात। सभी को घर और खेती के लिए योगी सरकार ने दी जमीन। 52 साल पहले पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए थे यूपी। योगी कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर। आगरा, मथुरा और प्रयागराज में बनेंगे हेलीपोर्ट। लैब टेक्नीशियन के खाली पदों पर होगी भर्ती। लखनऊ में एनसीडीसी दिल्ली की शाखा होगी स्थापित। गोपन विभाग में एसीएस पर स्थापना को अनुमोदन किया। इंसास राइफल खरीद को कैबिनेट से मंजूरी मिली। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों को मिलेगा एक माह का आकस्मिक अवकाश। एक माह से अधिक अवकाश पर देना होगा रजिस्टर्ड एलोपैथिक मेडिकल। सीएम योगी ने सभी पुलिसकर्मियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के दिए निर्देश। 4 मई तक नहीं ले सकेगा कोई भी अवकाश। अगले 24 घंटे के भीतर तैनाती स्थल पर वापस लौटे सभी पुलिसकर्मी। पूर्व एसएसपी मंजिल सैनी की बढ़ी मुश्किलें। सीबीआई ने मंजिल सैनी को लापरवाही का पाया दोषी। सीबीआई ने राज्य सरकार से कार्रवाई करने की सिफारिश। शाहजहांपुर से पूर्व विधायक राशन लाल वर्मा के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। राजस्व विभाग की टीम ने अवैध निर्माण का लिया जायजा। जांच में सरकारी जमीन पाए जाने पर होगी कार्रवाई। एटा में स्थानीय सांसद और विधायक ने मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का किया शुभारंभ। मेले में लोगों ने अपने स्वास्थ्य का निःशुल्क परीक्षण करवाया। सरकारी विभागों ने मेले में लगाए अपने विभाग के स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। सीएससी में आशा बहुओं और संगनियों ने अधीक्षक को बनाया बंधक। चिकित्सा अधीक्षक और कर्मचारियों में विवाद के बाद नाराज हैं आशा बहुएं। घंटों तक किया प्रदर्शन। अलीगढ़ में बर्थडे पार्टी के दौरान बार में हुआ झगड़ा। मारपीट के दौरान एक गुट ने की फायरिंग। फायरिंग में एक युवक को लगी गोली। देवरिया में बस और बोलेरो की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को जिला अस्पताल कराया गया भर्ती। ठेका संचालक के खिलाफ आबकारी विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने मामले को संज्ञान में लिया। सीओ की अगुवाई में की गई सख्त कार्रवाई। कानपुर के सेंट्रल बैंक की मुख्य शाखा के लॉकर से लाखों रुपए की हुई चोरी। बैंक के लॉकर धारक महिला ने 45 से 50 लाख रुपए की चोरी की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना के बाद घबराए बाकी लॉकर धारक पहुंचे बैंक। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में चुनाव शुरू। हाईकोर्ट के आदेश के बाद करवाया जा रहा चुनाव। 23 बूथों पर 10,000 मतदाता आज डालेंगे वोट। औरैया में गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग। आग लगने से गेहूं की फसल को हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी। ललितपुर में दबंगों ने परिवार से की मारपीट। घर में घुसकर की परिवार से मारपीट। मारपीट में 5 वर्षीय मासूम सहित 4 लोग हुए घायल। पानी की समस्या को लेकर चिंतित में आए लोग। सुबह बनारस क्लब ने आयोजित किया कार्यक्रम। जल बचाने की छात्रों को दिलाई।
गुना में सरयू नहर के दफ्तर में लगी आग, अज्ञात कारणों से खंड दो दफ्तर में लगी आग, ऑफिस में रखी फाइलें और अन्य दस्तावेज जले। यूपी के विश्वविद्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य, गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जारी किया आदेश, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिए। अमेठी में सरकार की मुहिम की धज्जियां उठा रहे अधिकारी, महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर रही प्रशासन, छेड़छाड़ का आरोपी फार्मासिस्ट पर नहीं हुई कार्रवाई।